तो गाइस 11 बजे है और आज अभी नींद खुला है मेरा। और भाई कल अपना ही वीडियो देख के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना भाई, इतने सालों से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर वक्त ये देखता हूँ कि भाई कोई भी गलती ना हो जाए एडिटर में, बार बार मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले मैं बार बार चेक कर लेता हूँ कि कोई भी गलती ना हो जाए, मगर भाई ये गलती हुआ कैसे मुझसे, मेरा भाई दिमाग ख़राब हो गया भाई। जो वॉइस का ओवरलैपिंग हुआ था ना लास्ट में कल का वीडियो में, तुम लोग अगर कल का वीडियो नहीं देखे हो भाई मत देखो वीडियो कल का, तुम लोगों को भी गुस्सा आएगा, मतलब बोल कुछ और रहा हूँ कर कुछ और रहा हूँ ऐसे कुछ वाले मामला है, वॉइस लैपिंग हो गया था, मतलब वो माइक के वैसे ही हुआ है, मगर भाई इतना दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ ना उसके लिए भाई सॉरी। इस फ़ोन में मैं आज से मतलब आज के बाद से कभी भी माइक नहीं यूज़ करूँगा, और इस फ़ोन से मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहे तो इस फ़ोन से ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है, सेकंड लास्ट व्लॉग है, क्योंकि और एक लास्ट व्लॉग डालूँगा जहाँ पे मैं वो उस फ़ोन का अनबॉक्सिंग करूँगा, अगले हफ्ते फ़ोन आने वाला है तो ज़्यादा नहीं करेंगे, और क्योंकि भाई अगले हफ्ते से मतलब अगले हफ्ते से नहीं थोड़ा सा पूरा का पूरा मैनेज कर लेंगे, एंड अगर पूरा का पूरा शॉर्ट आउट हो जाए तो मैं स्टार्ट करूँगा वो सारे के सारे जो मीम रिव्यूज़ है एंड जो फेस कैम गेमिंग है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा अपना अपना जो चैनल से उस पर, और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँगा। तो लाइव में ऑनलाइन गेम तो मैं नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि उतना अच्छा इंटरनेट नहीं है कि लाइव भी करूँ और ऑनलाइन गेम भी खेलूँ, तो गेम भी लैग होगा स्ट्रीम भी लैग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ग्रैनी सही रहेगा, राइट। ग्रैनी भी है और भी कई सारे नॉर्मल ऑफलाइन गेम है जो कि अच्छा अच्छा गेम्स है जो कि मैं खेलना चाहता हूँ वही मैं खेलूँगा, तो वो तो भाई इस फ़ोन से रिकॉर्ड होगा फेस कैम, एंड बाकी तो भाई फ़ोन का जो गेम है गेम प्ले है उस पर रिकॉर्ड होगा, तो फेस कैम के लिए तो मुझे इस पर ही माइक लगाना पड़ेगा, मगर ये बात ठीक है कि वो जब मैं लगाऊंगा उस पर माइक तब तो भाई एकदम स्टेबल रहेगा फ़ोन एक जगह पर रहेगा, तो भाई माइक का कोई दिक्कत नहीं आएगा वैसे तो, मगर पहले पहले मैं क्या करूँगा कि वो फ़ोन ख़रीदने के बाद इस फ़ोन को मैं दे दूँगा दुकान में, ये वाले जो पोर्ट है वो ठीक सही करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना आगे से। तो अगले दूसरे ब्लॉग से मतलब जो लास्ट ब्लॉग डालूँगा मैं उस पर तुम लोगों का क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह दिखाऊँगा, एंड उसके बाद से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि मुझे पूरा का पूरा फ़ोन को कस्टमाइज करना है एंड फ़ोन को पूरा का पूरा प्रोसेस समझना है, एंड फ़ोन में थोड़ा से गेमिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट डालना है एंड एडिटर इंस्टॉल करना है, बहुत सारा काम है वो मैं पहले कर लूँ, उसके बाद रिकॉर्ड वगैरह कर लूँ मैं, उसके बाद एक गेम प्ले वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। पहला जो है देखो बहुत सारा गेम आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही गेम मैं खेलूँगा, पिछले बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि मैं एक गेम मतलब बहुत सारा गेम बोलकर सिर्फ एक ही गेम खेलूँगा, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी फेस कैम आ गया, फेस कैम होगा एंड बहुत सारा स्टोरेज है तो आराम से खेलूँगा। तो पहला तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूँगा, कॉल ऑफ ड्यूटी का वीडियो भी आएगा और तरह तरह के गेम प्लेज आएगा, मगर गेम प्लेज को गेम प्लेज की तरह मत देखो, एंटरटेनमेंट की तरह देखो और मज़े आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई मज़े करते करते ही गेम प्ले खेलूँगा मैं, तो मज़े करते करते ही गेम प्ले मैं खेलूँगा, तुम लोगों को भी मज़ा आएगा, जो लोग गेम प्ले नहीं देखते हो गेमिंग नहीं देखते हो उन लोगों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं हॉरर गेम भी खेलने वाला हूँ तो तुम लोगों को मतलब एक मूवी टाइप का वो गेम्स है तो तुम लोगों को भाई एंटरटेनमेंट भी होगा एंड मज़ा भी आएगा। हॉरर गेम ऐसे करके सजेस्ट करो मुझे, और भी एक स्टोरी गेम है मुझे याद नहीं आ रहा था, बहुत दिन पहले मैं वो गेम जो है वो अपना फ़ोन में इंस्टॉल किया था, मगर स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, वो एक स्टोरी मोड का गेम है एंड हॉरर गेम है बेसिकली, एक ज़ॉम्बी टाइप का गेम है, 1 GB या 2 GB का गेम है शायद, उसका बहुत सारा पार्ट्स है तो उसको मुझे डाउनलोड करना है एंड मुझे खेलना भी है। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में खेलूँ या खेलूँ कि नॉर्मल में खेलूँ, देखता हूँ सब कुछ शॉर्ट आउट करना होगा मुझे,
तो मई तक तो टाइम देना पड़ेगा मुझे, अप्रैल में फ़ोन आएगा, उसके बाद पूरा का पूरा सब चीज़ें होगा एंड मई तक टाइम होगा। एंड मैं शायद मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं हाँ, मई महीने में वो जो शूटिंग है वो भी करना है ना मुझे, और वो तो भाई आउटडोर शूटिंग रहेगा, जो मूवी का जो आने वाला है वो आउटडोर में रहेगा, तो मई जून तक वो मूवी आ जाएगा। बहुत सारा कुछ प्लान है इस साल का, तो वेट करते रहो, देखते रहो चैनल को। और यही कुछ बोलना था इस वीडियो के लिए। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था कल जब मैं वीडियो अपना देख रहा था, भाई ये क्या कर दिया मैंने, एडिट करने के बाद चेक ही नहीं किया, अपलोड करने के समय चेक ही नहीं किया कि वो क्या चल रहा है उस पर। मैं हर बार चेक करता हूँ, मैं 3 से 4 बार चेक करता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तब जाके मैं वीडियो डालता हूँ, उससे पहले नहीं डालता हूँ। मगर भाई कल क्या हो गया था, भाई दिमाग सड़ गया था मेरा, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, पता नहीं भाई। खैर आज की इस वीडियो के लिए यही तक था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगा आज, बस छोटा सा ही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आज। तो मिलते अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।